की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। अब केजरीवाल को 2 जून को करना ही होगा सरेंडर। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 7 दिन की जो अर्जी बढ़ाने की मांग केजरीवाल की तरफ से की गई थी, उस अर्जी को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ट्रायल कोर्ट जाना था और आप वहां नहीं गए, आपकी अर्जी को ठुकरा दिया जाता है और अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है और अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। बिल्कुल, केजरीवाल के लिए झटका है। आप याद करें कि कल भी एक ऐसी कोशिश की गई थी और उनकी तरफ से इस मामले को बेंच के सामने, जो अवकाशकालीन बेंच है, उसके सामने मेंशन किया गया था। बेंच ने उसी वक्त ये कहा था कि देखिए, आपकी जो मुख्य याचिका थी उस पर कोर्ट सुनवाई कर चुका है, उसमें ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका है। ऐसे में एक नई एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं, वो भी एक ऐसी बेंच के सामने जो वेकेशन बेंच है, नियमित बेंच ऐसे मामलों की सुनवाई कर चुकी थी। तो इसीलिए कोर्ट ने पहले टेक्निकलिटी को लेकर के कल भी सवाल उठाया था और आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप होता है, जो हर याचिका के फैक्ट्स को चेक करता है, मेंटेनेबिलिटी को चेक करता है, उसकी तरफ से कहा गया है कि ऑर्डर रिजर्व है मेन मामले में, मुख्य मामले में। और जब वो मुख्य मामले में ऑर्डर रिजर्व कराया गया था, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी भावना, वहां पर उन्होंने सीधे सीधे अपनी जो गिरफ्तारी है उसी को चुनौती दी थी और पूरे मामले को खत्म करने की मांग की थी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि आपको लिबर्टी है, अगर आप रेगुलर बेल के लिए जाना चाहते हैं लोअर कोर्ट तो जा सकते हैं, ये जो बेल दी जा रही है चुनाव प्रचार के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक नियमित एक नियत समय के लिए है और 2 जून को आपको सरेंडर करना होगा। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल की तरफ से नई एप्लीकेशन लगाई गई और मेडिकल ग्राउंड पर एक राहत पाने की कोशिश की गई, जिसको कोर्ट ने कल ठुकराया था। रजिस्ट्री ने ये पाया कि ये नियमों के अनुसार नहीं है, इसीलिए इस पिटीशन को लिस्ट नहीं किया जा सकता, बड़ा झटका है इनके लिए। विकास, क्या अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई विकल्प बचता है या नहीं, या फिर उनको 2 जून को आत्मसमर्पण करना ही होगा? देखिए, उनको आत्मसमर्पण करना होगा, उनके पास विकल्प ये बचता है जो पहले भी उनके पास विकल्प था कि वो पहले निचली अदालत में मेडिकल ग्राउंड को लेकर के एक बेल दायर करते, लेकिन उससे संभावना इस बार की पूरी है कि जो उन्होंने अपनी याचिका में बातें कही हैं कि उनको पेट स्कैन कराना है, उनको टेस्ट कराने हैं, लोअर कोर्ट ये कह सकता है, उसकी पूरी संभावना है, लोअर कोर्ट ये कहेगा कि ये सारी सुविधाएं जेल में मौजूद है, जेल में पर्याप्त इंतजाम है और अगर जरूरत पड़ती भी है किसी टेस्ट को कराने की तो वो पैरोल उनको जो हिरासत में ही पुलिस ले जा करके उनकी जांच करवा सकती है, अगर नियम लोअर कोर्ट को ऐसा जरूरत महसूस होती है। तो लोअर कोर्ट से इस ग्राउंड पे बेल मिलना बहुत मुश्किल है, लगता है इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में ही इस अंतरिम जमानत याचिका को बढ़वाने की उनको संभावना दिख रही थी कि वो ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, लेकिन उनको 2 बार झटका लगा। कल बेंच ने मना किया और आज रजिस्ट्री ने, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मना किया है, ये कहते हुए कि मामला एक रेगुलर बेंच सुन चुकी है, उसमें उस बेंच ने लिबर्टी दी थी कि आप अगर आप जमानत चाहते हैं नियमित तो आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट में आकर के इंटरिम बेल मांगना मेडिकल ग्राउंड पे ये नियमों के विपरीत लगा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को और इसीलिए इस याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। जी विकास, साथ ही साथ जब 2 जून को केजरीवाल आत्मसमर्पण करेंगे उसके बाद कानूनी कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, जब वो आत्मसमर्पण करेंगे तो जो उनके मेडिकल वगैरह कराए जा सकते हैं जुडिशियल कस्टडी में जाने से पहले कि उनकी स्थिति कैसी है, और खास तौर से जब वो ये बात कह रहे हैं कि उनको दिक्कतें हैं, उनको एक मेडिकल चेकअप की जरूरत है, तो उनको इसके लिए एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में लगानी होगी तमाम मेडिकल रिकॉर्ड के साथ। और सब कोर्ट को अगर ये लगेगा कि इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप